आपको जॉब नहीं ना मिल रही तो आप भूखे नहीं मरोगे कम से कम यार, आपको अगर वो काम आता तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, शर्म वाली बात नहीं है, सीख के आना और यहाँ आके पैसा कमाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो यार आज कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, बस आज मेरा चेहरा देख सकते हो, मुझे दाढ़ी कैसे गुजरों की तरह बढ़ी हुई है, तो मैंने कहा यार आज थोड़ी सी मरम्मत करवा लेता हूँ और थोड़ा सा आपको भी शुगर मिला दिखाता हूँ। रस्ते में तो शॉप वालों के साथ लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे रेट बहुत हाई हैं, 30 पाउंड, 15 पाउंड, 12 पाउंड, 10 पाउंड, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ना, हर एक अपना ही रेट है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने अपनी एज के हिसाब से भी रेट लगाया हुआ है, जो जवान है उसने रेट ज़्यादा लगाया हुआ है और जो बाबा साहब बेचारे ने रेट कम लगाया हुआ है। लेकिन मैं आते हुए देख रहा था यार एक बंदे के हाथ में सफाई बहुत ही, वो एक गोरे की कटिंग कर रहा था लेकिन उसने पैसे भी बहुत मुनासिब लगाए थे, और रस्ते में एक जवान भी था, तो मैं पहले जाऊंगा जवान के पास, उससे जाके रेट पूछते हैं, तो बार्गेन होती है तो ठीक है, तो उसके बाद नहीं तो चलते हैं उस चाचू के पास। तो यार इस जैसे ही मैंने कटिंग करवानी है और यहाँ भाई के साथ ही मेरा रेट बन गया, बाल मेरे देख सकते हो कितने बड़े हुए होंगे, तो कटिंग करवाते हैं, मिलते हैं कटिंग के बाद। तो भाई कटिंग करवा ली है मैंने मम्मी डैडी से, और बाकी खर्चा तभी मैं घर जाके करूँगा क्योंकि मुझे आता है। तो अभी मैंने खाने के लिए कुछ लेना है, नाश्ता वगैरह करना है यार, तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। यार एक और बात, अगर तो आपको कटिंग का शौक है ना तो यार शर्म नहीं करनी, पाकिस्तान से सीख के आना, यहाँ पे भाई बहुत ट्रेंड है, यूनिवर्सिटी के बहुत से लोग हैं वहाँ से सीख के आते हैं, और स्टूडेंट्स को यहाँ पे महंगी लगती है मेरे जैसे लोगों को, तो भाई वो यहाँ आके कटिंग करते हैं पार्ट टाइम, तो जहाँ उन्होंने भाई 10-15 पाउंड देने हैं वो हाफ में कर देते हैं। और इवन के यहाँ पे शॉप्स भी मैंने कुछ लिखा हुआ था, बहुत अच्छी शॉप्स होती हैं, उनके बाहर भी लिखा आता है हमें बार्बर की ज़रूरत है, तो आप वहाँ आके भी यार अर्न कर सकते हो पार्ट टाइम, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, शर्म वाली बात नहीं है, सीख के आना और यहाँ आके पैसा कमाना। तो यार मैं तो हमेशा ये शाही वालों के पराठे लेता हूँ क्योंकि मुझे रोटी छोटी तो बनानी आती कोई नहीं है, जिस दिन हमजा घर होता है उस दिन हम बना के खा लेते हैं। तो यार वहाँ से कबाब तो नहीं मिले, एक अगली शॉप से मैंने एक नए तरह के कबाब ट्राई किए हैं आज, और पराठे तो मैं लेता ही लेता हूँ, और साथ में टेस्को से एक जूस लिया, इस टाइम जुमा है और रस चेक करो कितना है, पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा। यार जैसे तो मैंने तुम लोगों को बताया ना कि कटिंग का काम सीख के आना, तो ऐसे ही 4-5-6 और भी काम है, तो उस पर बल्कि मैं अलहदा से एक ब्लॉग बना दूँगा, तो वो यार मस्त सीख के आना, वो ये कि आपको यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। अगर आप पहले तो अपने रूम का खिलारा चेक करो मेरे, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जैकेट से मेरी हैं, बाकी माशाल्लाह ये हमजा का बखेरा हुआ हर चीज़ है। पहले तो इसको साफ़ करता हूँ बाद में बाहर जाता हूँ। यार कमरा हो गया मेरा बिल्कुल क्लीन देख सकते हो, और अब चलते हैं किचन में। तो यार शेफ़ अहमद आपकी खिदमत में हाज़र है, तो अभी मैं बनाता हूँ नाश्ता और आपको भी साथ साथ दिखाता हूँ। यार जिस दिन मैं पहली बार इस घर में आया ना, मैं माचिस ही ढूंढी जा रहा था पागलों की तरह, तो बाद में मुझे पता लगा ये तो ऑटोमेटिक है, ये नहीं यहाँ पर सिर्फ प्रेस करना पड़ता है वो ऑटोमेटिक चल पड़ता है, तो मैं बेवकूफ़ों की तरह उन्हें कहता यार माचिस नहीं मिल रही, उन्हें कहता भाई ये ऐसे चलता है ऐसे चलता है, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई थी मैं क्या करूँ। तो यार ऐसे ही मिलते हैं पराठे, बिल्कुल पैक होते हैं, और इनको डायरेक्ट तवे पे नहीं डालना, इसको आपने पूरा चूल्हा गर्म करके थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके बाद डालना, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। और ये मैंने लिए हैं कबाब, तकरीबन 5 पाउंड के मेरे 10 पड़े हैं। इसको पहले करते हैं डीफ्रोज, उसके बाद इसको गर्म करते हैं।
हमेशा पराठे बनाते हुए धुआँ इतना कर देता हूँ कि आज फायर अलार्म भी बज गया। तो मैं अभी फायर अलार्म बंद करने गया था और यार बगैर लैपटॉप के ना, बगैर कुछ देखे मुझे खाने का मज़ा नहीं आता। हाँ तो अभी कुछ देखते हैं, साथ में खाना करते हैं, उसके बाद नहा के आपको न्यू लुक दिखाता हूँ। तो भाई साहब देख सकते हो कटिंग का मज़ा आया यार। और ये मैंने कुछ ज़्यादा लाइट नहीं की क्योंकि मेरी बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, मेरे ख्याल में सुबह आमदा यूज़ कर गया था, तो ये मैं थोड़ी सी लाइट बाद में करूँगा। वैसे भी मैं बहुत छोटा सा लगने लग जाता हूँ जब मैं ये साइड भी हल्की करवा लूँ और ये भी लाइट करवा लूँ, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी भारी रखी है। तो वीडियो तो बस यार थोड़ी सी थी और पर थोड़ी थोड़ी करते लंबी हो गई। तो अगर तो वीडियो का मज़ा आया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।